आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं ईबे की शिपिंग सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप ईबे सेलर हैं, ईबे पे बेचना चाहते हैं और लिस्ट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, तो इसके लिए आपको अपनी शिपिंग की सेटिंग भी इसमें सेट करना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा, उसके बेसिक्स को से एक्सप्लेन करूँगा आपको, बेसिक्स होंगे उसके। इसके लिए क्या है, जब भी आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक कॉलम दिखेगा शिपिंग। अब सारा शिपिंग का जो सेटिंग्स है आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, शिपिंग मेथड चुनना है। मतलब जो आपका शिपिंग मेथड है वो किस हिसाब से होगा, मतलब स्मॉल टू मीडियम आइटम्स का होगा, ओवर साइज आइटम मतलब बहुत बड़े जो जाते हैं, ठीक है ना, जो उसके लिए हिसाब से होगा कि लोकल पिकअप के हिसाब से होगा। तो आमतौर पर आपको इंडिया से बेचे हैं तो स्टैंडर्ड शिपिंग चुननी है, मतलब स्मॉल टू मीडियम आइटम्स, तो यहाँ पर चुनेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो कॉलम्स ही हैं जो ऑप्शनल हैं, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे कि वेट, पैकेज का, पूरे पैकेज का वेट और डायमेंशंस, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी इतनी है, इसके की डायमेंशंस इसके पैकेज के। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनके बारे में अभी बाद में बात करूँगा, अभी डोमेस्टिक शिपिंग के बारे में बताया हुआ है। इसमें सबसे पहले कॉस्ट टाइप पूछी गई है, कॉस्ट टाइप में आपको दो तरीके के दिए हुए हैं, एक तो फ्लैट रेट, मतलब कि बायर की लोकेशन कुछ भी है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इतना तो उसको शिपिंग चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए होता है फ्लैट रेट। दूसरा है कैलकुलेटेड। अब कैलकुलेटेड रेट जब आप चुनेंगे तो क्या करेंगे, ईबी वाले अपने एंड से कैलकुलेट करके शिपिंग लगाएंगे बायर पे, ठीक है। तो आमतौर पर आपको क्या करना है, अगर आप चुनना चाहें ना फ्लैट रेट चुन सकते हैं, मतलब एक कैलकुलेटेड कॉस्ट अपने मन में रख सकते हैं कि कितना बायर को पे करना, आपको कितना पे करना पड़ेगा शिपिंग के लिए, बायर से कितना लेंगे, तो हम फ्लैट रेट रखेंगे। जब आप ना कॉस्ट टाइप चुनेंगे, इसके बाद आपको शिपिंग सर्विस चुननी है, प्राइमरी शिपिंग सर्विस, तो यहाँ पे आप दबाएंगे ऐड, ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे। अब हम इंडिया से बेच रहे हैं तो हमारे पास कुछ ही ऑप्शन है, जैसे हम नीचे नीचे आएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे, एक तो हमारे पास इकोनॉमी सर्विसेज है फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, इसमें है इकोनॉमी शिपिंग फ्रॉम इंडिया जिसमें 8 से 13 दिन लगेंगे, और अगला है मेल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, इसमें 14 से 27 दिन लगेंगे। आप इनमें से चुन सकते हैं, या स्टैंडर्ड शिपिंग चुन सकते हैं फ्रॉम इंडिया, या फिर आप ये वाली आप चुन सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपको बस यही लास्ट में जो है यही चुन सकते हैं, तो जिसमें 3 to 9 डेज लगना है, ठीक है। तो आपको तो इनमें से चुनना पड़ेगा, अब ये सारे ऑप्शन जो बाकी के हैं आपके लिए नहीं है, इंडिया वाले ही चुनना है आपको। तो अब इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इकोनॉमी सर्विसेज में चुनना है और मेल सर्विस चुनता हूँ मैं जैसे, या फिर या मैं इकोनॉमी शिपिंग फ्रॉम इंडिया चुनता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और सेव दबा दूँगा, ठीक है। अब मैंने ये शिपिंग सर्विस में ऐड कर दी, इसको चाहूँ तो मैं यहाँ से दबा के चेंज भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें ऐसे मेंशन कर रहे हैं 8 से 13 दिन लगेंगे, तो अब हमें ये लिखना है कि बायर कितनी अमाउंट पे करेगा, मतलब शिपिंग पे जो हमने फिक्स्ड रेट यहाँ पे चुना है, फ्लैट रेट चुना है, उस पर बायर कितना, आप बायर से कितना अमाउंट चार्ज करेंगे, $10 या $15 या अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आप बायर से चार्ज नहीं लेना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपने प्रोडक्ट में शिपिंग का कॉस्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो आप यहाँ दबाएंगे ऑफर फ्री शिपिंग, ठीक है, फिर बायर को ऐसे दिखाया जाएगा कि फ्री शिपिंग है, ठीक है। तो डोमेस्टिक का हो गया, आप चाहें तो इसमें और शिपिंग सर्विस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रेट टेबल है, ये ऑप्शन है। रेट टेबल में क्या है, अगर आपको रेट टेबल बनाना है तो आप यहाँ पे दो दबाएंगे, क्रिएट न्यू पे दबाएंगे। जब क्रिएट न्यू पे दबाएंगे तो आपका पूरा एक तरीके से रेट टेबल बना हुआ दिखेगा यहाँ पे, कि मतलब कि आप ओवरनाइट की शिपिंग करेंगे, स्टैंडर्ड इकोनॉमी अपने हिसाब से करेंगे, कितना कितना कॉस्ट लेंगे, किस रीजन का, किस स्टेट का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बिगिनर्स के लिए, इसलिए रेट टेबल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, वैसे भी ऑप्शनल है ये। इसके अलावा यहाँ पे आपको अदर ऑप्शंस मिलते हैं जिनकी पहले मैं बात कर रहा था। अब अदर ऑप्शंस में क्या है, जैसे कि यहाँ पे सी शिपिंग ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये तो हमेशा पहले जो है ऑन ही रहेगा ये वाला ऑप्शन। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इरेगुलर पैकेज, इंटरनेशनल शिपिंग, लोकल पिकअप और एक्सक्लूडेड लोकेशन। इसमें से इरेगुलर पैकेज वाला क्या है, अब इसमें से इरेगुलर पैकेज वाली एक एक शिपिंग की कंडीशन होगी, जिसमें क्या होगा, अगर आप चुनेंगे इरेगुलर पैकेज और इसमें अगर आपका जो पैकेज आइटम होगा और वो नॉन रेक्टेंगुलर है, समझ रहे हैं आप, मतलब कि अजीब सी उसकी पैकेजिंग है, थोड़ी ज़्यादा लंबाई ज़्यादा है, या फिर थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है, या गोल सा है, ट्राइंगुलर है, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि अगर इस तरीके के पैकेज होते हैं तो बहुत सी प्राइवेट शिपिंग लेबल्स होते हैं, प्राइवेट शिपिंग कंपनियाँ होती हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन दिया है। जैसे आप ये लगा देंगे अगर, तो
तो इरेगुलर पैकेज का भी आप चार्ज ले सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। वह आमतौर पर इरेगुलर पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें ऑप्शन है इंटरनेशनल शिपिंग का। अब आपको इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस यूज़ करनी है तो कैसे करेंगे, आप या इंटरनेशनल शिपिंग को ऑन कर देंगे और यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग पे या ऐड सर्विसेज पे ऑन दबा देंगे। यहाँ फ्लैट रेट ही रहेगा और ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपकी इंटरनेशनल सर्विस है आप अपने हिसाब से चुनेंगे कि कौन सी चुननी है आपको, जैसे कि फेडेक इंटरनेशनल प्रायोरिटी, फेडेक्स इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इकोनॉमी इंटरनेशनल शिपिंग, ठीक है ना। इस तरीके के कुछ आप इसमें से चुन सकते हैं और सेव दबा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये तो इंटरनेशनल सर्विसेज का था। अब एक और मेन चीज़ आती है कि अगर कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ आप शिप नहीं करना चाहते हैं, कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ आप शिप नहीं करना चाहते हैं, बस वजह कुछ भी हो सकती है आप क्यों शिप नहीं करना चाहते हैं, या आपकी वहाँ पे शिपिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, या कॉस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मतलब आप इंडिया में बैठे हैं और आप किसी स्पेसिफिक जगह पर जाते हैं, वहाँ नहीं जाएँ, मतलब वहाँ के लोग आप मतलब शिपिंग नहीं करें वहाँ के लोगों को, तो इसके लिए क्या है, या सी शिपिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे बताया हुआ है एक्सक्लूडेड लोकेशंस, ठीक है। तब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ना गेट स्पेसिफिक लोकेशंस डेट यू डोंट वांट टू शिप टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑन दबाएंगे, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऑन दबाएंगे तो बिल्कुल नीचे नीचे आएंगे, या एक्सक्लूडेड लोकेशन है जो कि ऑप्शनल है लेकिन आपने चुना है तो आपको भरना पड़ेगा। आपको जगहें दी हुई हैं कौन सी है, डोमेस्टिक, तो ये तो यूएसए के लिए है, इस पर ध्यान नहीं देना आपको, इंटरनेशनल है। अब इंटरनेशनल पे आप कहाँ नहीं शिप करना चाहते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ये रीजन दिए हुए हैं, रीजन और कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में मैं यूरोप चुनूँगा और यूरोप की कंट्री चुनूँगा कौन सी, मतलब जैसे कि जो कंट्री में, जैसे मुझे ऑस्ट्रिया में नहीं बेचना है तो मैं सिर्फ वो सेलेक्ट कर लूँगा और यार डन दबा दूंगा, ठीक है। तो वो कंट्रियाँ सेलेक्ट हो जाएंगी, जैसे अभी 44 प्लेसेस उसमें हो रही हैं, वो दिखाने के लिए आपको किया है, तो इन जगहों पे आप शिपिंग नहीं करेंगे, और इस ऑप्शन को अगर बंद करना चाहें यहाँ दबा के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये शिपिंग के बेसिक्स, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे शिपिंग करवाएंगे, कौन से कुरियर को यूज़ करेंगे, क्या ईबे वाले शिपिंग करते हैं, पैकेजिंग किस तरीके करेगी, ये सारी चीज़ें बाद में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आधे घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी, मेरा डायमेंशंस वगैरह, शिपिंग सर्विसेज चुनना और कौन सी लोकेशंस में नहीं भेजना है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अगर और भी ईबे पे वीडियोस देखने आपको, मतलब अकाउंट ओपनिंग, लिस्टिंग वगैरह, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।